तुगलकाबाद को शहीद कर दिया गया और हमारे जो महापुरुषों की वहाँ संतों की ब्रह्मलीन गुरुओं की जो समाधियाँ थी उन्हें भी तहस नहस कर दिया गया। सरोवर को भी भारी नुकसान पहुँचाया गया और देखते ही देखते ऐसे लगने लगा कि गुरु रविदास महाराज जी के अनुयायियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा जुल्म यहाँ हुआ। रातों रात उस जमीन पर वृक्ष लगा दिए गए और मंदिर का मुख्य द्वार तोड़कर वहाँ कंक्रीट की दीवार चिन करके वो रास्ता बंद कर दिया गया, जिस रास्ते से लाखों लोग गुरु रविदास जयंती के पावन अवसर पर उस महान दरबार को माथा टेकने के लिए, उस सरोवर में स्नान करने के लिए और संतों की समाधियों को नमन करने के लिए उपस्थित होते थे। जहां रोज सैकड़ों की तादाद में लोग जाकर के भगवान गुरु रविदास जी को नमन करते थे, वो स्थान को देखते ही देखते तोड़ दिया गया। उसी के विरोध में 21 तारीख को बहुजन समाज में जन्मे गुरु रविदास समाज के तमाम संत महापुरुषों ने, गुरु वाल्मीकि समाज के तमाम संतों महापुरुषों ने, सदगुरु कबीर साहब महाराज को मानने वाले सभी उनके अनुयायियों ने और संतों महापुरुषों ने, तथागत बुद्ध को और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले तमाम संगठनों ने उसमें हमारे संत समाज को सहयोग किया। बाबा साहब अम्बेडकर भवन से रामलीला मैदान तक लाखों की तादाद में शांति मार्च निकाला गया। आशा करते थे हम कि सरकार हमारी ओर ध्यान करेगी और जो भगवान गुरु रविदास जी का दरबार शहीद किया गया है उस दरबार को हमें पुनः वापस देगी, लेकिन आज 30 तारीख हो गई है, तब से लेकर के अभी तक किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक पहल सरकार की तरफ से इस समाज की भावनाओं को देख कर के नहीं की गई है। तो अंत में संतों ने यह फैसला लिया कि जंतर मंतर पर 30 तारीख से प्रदर्शन किया जाए, वहाँ धरना किया जाए। आज ये केवल संकेत मात्र है कि हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आपने जो योजनाएं बनाई हैं, सबका साथ सबका विकास, और हम ये भी प्रधानमंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहते हैं कि ये वही संत गुरु रविदास जी हैं जिनके जयंती के अवसर पर आप सन 2016 और 2018 में गुरु रविदास जन्म स्थान काशी बनारस में माथा टेकने के लिए गए थे, इस राष्ट्र के सुख और समृद्धि की कामना के लिए गए थे। हम प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहते हैं कि आपके चुनाव क्षेत्र में भगवान गुरु रविदास जी ने काशी में जन्म लेकर के भारत ही नहीं विश्व भर को मानवता का संदेश दिया। मधुमक्खियों की भांति समाज रूपी और राष्ट्र रूपी छत्ते में संगठित होने का, रहने का हमें संदेश दिया, शिक्षा का संदेश दिया, समानता का, समरसता का संदेश दिया और मानवीय अधिकारों के रक्षा की आवाज उन्होंने उठाई। इतना बड़ा काम अपने जीवन के 151 वर्ष में गुरु रविदास जी ने जो किया, वो आज बड़ा दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि जिस महापुरुष के कारण हिंदी, हिंदुस्तान और हिंदुत्व जिंदा है आज इस धरती पर, आज उस महापुरुष के सर को ही कलम कर दिया गया, उसके धाम को तोड़ दिया गया। जरा नहीं सोचा इन निर्दयी लोगों ने, जरा नहीं सोचा इन कठोर दिल वालों ने कि एक वो महापुरुष जिसने 151 साल इस भारत के अंदर जंग लड़ी, क्रांति को जन्म दिया, देता उन्होंने कहा था पराधीनता पाप है जान ले रे मीत, रविदास दास पराधीन को कोई ना करत है प्रीत। ये भारत माँ जब जंजीरों में जकड़ी थी गुलामी के,
जब ये बेड़ियों में जकड़ी हुई थी गुलामी के, दूर दूर तक कोई स्वतंत्रता की रोशनी नजर नहीं आती थी, और कोई आदमी अगर स्वतंत्रता की बात करता था तो उसका सर कलम कर दिया जाता था, यहाँ जबरदस्ती लोगों का धर्मांतरण कराया जाता था। उस समय में जब बड़े बड़े महामंडलेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य फेल नजर आ रहे थे, तब गुरु रविदास ने धर्म की ध्वजा को अपने हाथों में लिया और धर्मांतरण रूपी भयंकर तूफान को रोका, और उस तूफान का संचालन करने वालों को संत गुरु रविदास के चरणों में नमन करना पड़ा और उन्हें अपना राजगुरु स्वीकार करना पड़ा। ये तुगलकाबाद की धरती का मामला नहीं है, ये 40 करोड़ लोगों के श्रद्धा का ही विषय नहीं है, बाकी ये पूरे भारत के अस्तित्व का विषय है, जिसने इस देश को, इस देश की संस्कृति को और संस्कारों को जिंदा रखने का काम किया। ये उस महापुरुष के पावन धाम पर बिल्डोजर चलाकर इस देश की सरकार ने जो संदेश देना चाहा, आज पूरा देश और देश के बाहर बैठा हुआ बहुजन समाज इसका कठोर भर्त्सना करता है, निंदा करता है, और इस मंच के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को ये मांग करते हैं, भारत की सरकार को ये मांग करते हैं कि 1959 से जो गुरु रविदास जयंती समारोह समिति उस धर्म स्थान का 500 साल से जो वो गांव के लोग उसका रख रखाव कर रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे, और 59 से वो रजिस्टर्ड बॉडी उसका देख रेख कर रही है, उस रजिस्टर्ड बॉडी के ही संरक्षण में उनके लिए वो भूमि दोबारा से अलाट की जाए, और भगवान गुरु रविदास जी का वहाँ भव्य मंदिर और 4 ब्रह्मलीन संतों की समाधियाँ और गुरु जी के नाम पर जमारवाला जोहड़ गुरु रविदास मंदिर और मुख्य द्वार का पुनर्निर्माण करके हम 40 करोड़ लोगों की आस्था को सरकार सम्मान देने का काम करें। और हम ये संकल्प लेते हैं कि जब तक वहाँ सरकार अपनी ओर से एक ठोस पहल नहीं करती है, वो भूमि हमारे उस कमेटी के नाम वापस नहीं करती है, भगवान गुरु रविदास जी का मंदिर तोड़कर जो भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई, सरकार जब तक वो जमीन वापस करके वहां पर उस समिति को नहीं देती, और जो हमारे बच्चे पकड़े गए हैं 96 बच्चे जो केवल वहां गुरु रविदास जी के पावन भूमि को नमस्कार करने के लिए गए थे, लेकिन उनके साथ जो बर्बरता हुई है और उनको जो जेल में डाला गया है, जब तक उन बच्चों को बिना शर्त बिना देर किए रिहा न किया जाएगा, तब तक हम लोग अपना ये धरना समाप्त नहीं करेंगे। अभी आज संकेत है केवल, पूरे देश के लोगों के फोन, पूरे देश दुनिया के लोगों के फोन महाराज सुखदेव जी के फोन पर बराबर आ रहे हैं, हमारे फोन पर आ रहे हैं, और सभी लोग केवल एक ही बात पूछ रहे हैं कि कब हमें आपका आदेश हो और हम कब दिल्ली की ओर कूच करें। बंधुओं, जिन्होंने भी आज के इस सांकेतिक धरना में अपना समर्थन और सहयोग दिया, मैं उन तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।